बताने आया हूँ। भगवान कंस की भूल? कैसी भूल? यही जो अभी अभी महाराज ने भगवान ने की, जानबूझकर अपने काल को जीवित छोड़ दिया। हा हा हा, तो ये थी हमारी भूल। नारद जी आप तो बड़े ही भोले हैं। आपको पता नहीं, आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का आठवां पुत्र हमारा काल बनेगा, पहला नहीं। आप तो मुझसे भी बड़े भोले हैं। यह लीजिए, इस कमल की पंखुड़ियों को गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब जरा उल्टी तरफ से गिनिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है, इधर से भी 8 और इधर से भी 8। अब यह बताइए, इन पंखुड़ियों में से पहली कौन सी और आठवीं कौन सी? ऐसे तो हर पंखुड़ी पहली और आठवीं है। बस बस भगवान कंसराज, यही बात थी। कहा है ना, तिनके की और पहाड़। अब देखना यही है कि देवकी के होने वाले बालकों में से पहला कौन और आठवां कौन। नारद जी, पहला पहला है और आठवां आठवां। अहा, मेरा कार्य तो केवल बताना था, आगे आपकी इच्छा। नारायण नारायण, महाराज कंस की जय हो, महाराज कंस की जय हो। पहला और आठवा। अब मेरे मुन्ने को मुझसे कोई नहीं छीनेगा, कोई नहीं। हम छीनेंगे। नहीं नहीं, मैं मेरे लाल को किसी को नहीं दूंगी, किसी को नहीं। देवकी ये बालक हमें दे दो, ये हमारा काल है। नहीं नहीं महाराज, अभी अभी तो आपने इसे प्राण दान दिया है। हमने भूल से अंगारे को फूल समझकर उसे वापस लौटा दिया। अब हम इस अंगारे को बुझा देना चाहते हैं। हम इसे मार डालेंगे। नहीं 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 महाराज। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने लाल को नहीं दूंगी। देवकी ये बालक मुझे दे दो। नहीं नहीं भैया नहीं। महाराज। वसुदेव, तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम देवकी का हर बालक मुझे सौंप दोगे। जाओ बालक को लाओ। देवकी मुझे बालक दे दो। नहीं स्वामी नहीं। मुझे दे दो। नहीं स्वामी नहीं, मैं मेरे मुन्ने को किसी को नहीं दूंगी। नहीं। दे दो मुझे बालक, मुझे महाराज को सौंपना पड़ेगा। नहीं स्वामी नहीं नहीं नहीं। हम काल के भी काल हैं। देवकी के 6 पुत्र यमलोक पहुंच गए। अब सातवें की बारी। महाराज की जय हो। क्या बात है? बंदी गृह में देवकी का 7वां पुत्र गर्भ में ही समाप्त हो गया है महाराज। हमारे अष्ट, सुना आपने, देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। महाराज अब 8वें की बारी है। मेरा 8वां पुत्र, मेरा 8वां पुत्र स्वामी। स्वामी पापी कंस इसे भी जीवित नहीं छोड़ेगा, इसे कहीं छिपा दें। कहाँ छिपा दें हम इसे? हाँ कहाँ छिपाए इसे? वसुदेव अपने 8वें पुत्र को
गोकुल में यशोदा के पास पहुंचा दो और वहां से यशोदा की कन्या को यहां ले आओ। मेरा आठवां पुत्र जीवित रहेगा स्वामी, मेरा आठवां पुत्र जीवित रहेगा, इसे गोकुल ले जाइए, शीघ्र कीजिए स्वामी।